चलिए बच्चों, मैं हर्षी गुप्ता मैथ सफारी चैनल से, जो पीछे आपको 4x4 का मैजिक स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एनी 16 कंसेक्यूटिव नंबर बनाया था बच्चों की रिक्वेस्ट पर। बच्चों ने कहा था कि आप नंबर पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा फिर बनाएं, तो मैंने डायगनल एलिमेंट को सेम रखा था। अब बच्चों को कह रहे हैं कि साहब डायगनल एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए, फिर बना कर दिखाइए। नहीं नहीं बच्चों की आजकल छुट्टी चल रही है, तो बच्चे नई नई फरमाइश अपनी कर रहे हैं कि डायगनल एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए फिर बना कर दिखाइए। चलिए साहब रिवर्स करके ये भी और बना देते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे होते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? अब बच्चा कोई ये बताए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या 16 कंसेक्यूटिव नंबर 1, 2, 3 लूँ, या आगे से कहीं से लूँ, वहाँ से बताइए आप कहाँ से लूँ। जो आप कहेंगे मैं वो ले लूँगा। बोलिए कहाँ से लूँ, 13, 14 बड़ा नंबर ले लो, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जो आपका वो ले लें। ठीक है, क्या लिया? 15। ओहो 15 लिया, तो 15 में इधर लिखूँगा, इधर 15, 16, 17 स्टार्ट विथ 15, तो 16 मैं 16 कंसेक्यूटिव नंबर लिख रहा हूँ। पंद्रह से स्टार्ट हुए हैं, 16 नंबर लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब बच्चे कह रहे हैं डायगनल एलिमेंट को आप रिवर्स करिए। चलिए साहब डायगनल एलिमेंट कौन से हैं भाई? भाई यही तो हैं डायगनल एलिमेंट, रिवर्स कर दीजिए साहब। तो रिवर्स का मतलब 30 ऊपर लिखूँगा, 30 लिखूँगा यहाँ पर, 30 लिख दिया। अब 25 यहाँ लिखूँगा, रिवर्स करके लिख रहा हूँ, तो 25 फिर 20 और फिर लास्ट में 15। अब इधर वाले को भी कर दीजिए, इधर वाला तो यही तो डायगनल है, इसको भी रिवर्स कर दीजिए, यानी 27 ये ऊपर जाएगा, 24, 21 और 18 ये मैंने लिख दिया साहब, रिवर्स कर दिए। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि साहब रिवर्स कर दिए, रिवर्स कर दिए। आपने आपकी रिक्वेस्ट मान ली कि रिवर्स कर दिया जाए, तो अब एक रिक्वेस्ट आप हमारी मान लीजिए कि आगे क्या करेंगे। आगे करने के लिए जो रिमेनिंग डिजिट है एज इट इज उतार दीजिए। रिमेनिंग डिजिट देखिए कौन से बचे, डायगनल एलिमेंट तो मैंने लिख दिया, रिमेनिंग डिजिट यही तो बचे, इन्हें एज इट इज उतार दिए, तो 16, 17, 28, 29, 19, 23, 22, 26। ये बन गया आपका 4x4 का मैजिक स्क्वायर, जो आपने कहा था उस कंडीशन से बना दिया। आपने कहा था डायगनल के एलिमेंट रिवर्स कर दो, मैंने डायगनल के एलिमेंट रिवर्स कर दिया, दोनों डायगनल के, और जो बचे हुए एलिमेंट थे एज इट इज लिख दिया। चेक कर लीजिए सम। अब आप कहेंगे सम क्या आएगा, तो सम आएगा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आया, 45 × 90। ओ हो आप टोटल कर लो भाई साहब, आप 90 आएगा। कैसे देखिए, 7 × 9 और 6 = 15 और 5 = 20, 5 × 2 = 7 और 2 = 9, किसी का भी कर लीजिए, बीच वाले का कर लीजिए, 5 × 9 = 10, 3 × 2 = 5, 2 = 7, 2 = 9, 90 आ गया। किसी का डायगनल का कर लीजिए, डायगनल का 5, 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 3, 9। इधर का कर लीजिए, 7 × 4 = 11, 1 = 12, 8 = 20, 3 × 2 = 5, 2 = 7, 2 = 9। हर तरीके का कॉर्नर पॉइंट का कर लीजिए, 7, 5 = 12, 8 = 20, 3 × 3 = 6, 2 × 8 = 9, कहीं का भी कर लीजिए जो आपको सिखलाया है। ठीक है, तो मैंने क्या करा फिर एक दफ़ा समझ लीजिए बच्चों। अब आप इस तरीके की रिक्वेस्ट ना भेजा करो, बहुत हो गया आपने, कि साहब डायगनल एलिमेंट को रिवर्स कर दीजिए, मैंने डायगनल एलिमेंट को रिवर्स करके लिख दिया, और जो रिमेनिंग डिजिट थी उनको एज इट इज लिख दिया, और वो आ गया आपका सम। सम का फार्मूला वही है। ठीक है, अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है ये टेक्निक, आपके डिज़ायर हम फुलफिल कर पा रहे हैं,
आपकी डिज़ायर हम जो है सॉल्व कर रहे हैं, आपकी डिमांड सॉल्व हो रही है, तो आप हमारे को चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए।